हेलो दोस्तों नमस्कार जिस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 2019-20 में की गई थी अभी दो हज़ार इक्कीस चल रहा है लेकिन अभी तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है काफ़ी संघर्ष करने के बाद इसको परमानेंट किया गया संविधा से परमानेंट करने की यहाँ पर मुहर लगाई गई गे गहलोत गे सरकार के बाद उसके बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पर स्टूडेंटों के विरोध को देख करके ट्विटर वार को देख के और पूरे प्रेशर को देखते हुए अब यहाँ पर कंप्यूटर निदेशक भर्ती का सिलेबस जारी किया गया ऐसे करते करते दो हज़ार इक्कीस यहाँ पर ख़त्म होने में आया अभी नवंबर चल रहा है उसके बाद दिसंबर तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कंप्यूटर निदेशक भर्ती का जो विज्ञप्ति है अभी जारी कर दी जाएगी इसको लेकर के आप देख सकते बड़ी अपडेट है यहाँ पर कंप्यूटर निदेशक भर्ती शैक्षिक योग्यता का निर्धारण नहीं होने से जारी नहीं नई विज्ञप्ति दोस्तों अभी तक इसमें कोई शैक्षिक योग्यता इसमें बी को लिया जाएगा पी वालों को अलाव किया जाएगा इस प्रकार से अभी तक इसकी कोई योग्यता का अभी तक सरकार इतने साल से घोषणा की हुई दो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के, के, के द्वारा घोषणा की गई थी लेकिन दो से तीन साल होने में आए लेकिन अभी तक इसकी शैक्षिक योग्यता को लेकर के भी गहलोत सरकार के द्वारा कोई निर्धारण नहीं किया गया है इसको लेकर के लगता नहीं कि 2021 में आपका एक आपकी विज्ञप्ति जारी होगी अब आपकी विज्ञप्ति 2022 हजार बाईस तक की होगी उसके बाद ज्वाइनिंग होते हो तो आप मान के चलिए 2023 हो जाएगी या फिर नई सरकार को ही आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी देख सकते हैं यहाँ पर आया है ब्यूरो में दैनिक नवज्योति में आया है यहाँ पर अभ्यर्थी परेशान यहाँ पर आया है देख सकते हैं कि जारी सिलेबस हो चुका है जारी अभ्यर्थी परेशान जयपुर प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर निदेशक भर्ती के पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है लेकिन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता तय नहीं होने से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति जारी नहीं कर पा रहा है सूत्रों का कहना है कि सरकार ने गत अक्टूबर में कंप्यूटर निदेशक भर्ती का सिलेबस भी जारी कर दिया था पर शैक्षणिक योग्यता का लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लंबे विरोध के बाद राज्य सरकार ने पहली बार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती करने का फैसला किया सरकार ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के लिए अट्ठारह अक्टूबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नोडल एजेंसी बना दिया है अभी तक स्थिति स्पष्ट इस नहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर निर्देशक भर्ती की परीक्षा का आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी है अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट इस नहीं है जब तक सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होगा तब तक चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकता इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रेगुलर राजस्थान में भर्तियों में गड़बड़ी सामने आ रही है पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और अब यहाँ पर कंप्यूटर निदेशक भर्ती स्टूडेंट काफ़ी टाइम से इंतजार कर करे लेकिन अभी तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं की है हो सकता है इसके पीछे भी कोई बड़ा लेन देन या फिर बड़ा पेपर लीक का हो पूरा साँट घाठ होने के बाद इसकी विज्ञप्ति जारी करे इसको लेकर के हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सरकार ने बेरोजगारों के साथ जो धोखा किया है उसको राजस्थान का युवा भूलेगा नहीं अगर वीडियो सही लगे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद